हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दिवाली। दिवाली के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, अभी सारा काम पड़ा हुआ है। तो अभी जो है सबसे पहले हम चलते हैं, मुझे कुछ लेनी है, वेजिटेबल्स और थोड़ा घर का सामान लेना है, तो यहाँ पास में मॉल है, वहाँ चलते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे और बाकी सारा काम करेंगे। तो आज आप मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अभी सामान लेने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तंदूरी वाली मेयोनीज, और सब्जियाँ वहाँ पे भी ज़्यादा आई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, तो मैंने ये ले ली है। यहाँ पे कॉर्न मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, चाय रख रही है, तो फटाफट से सबसे पहले सब्जियों को कट कर लेते हैं। बन चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं चाय नहीं पी रही, पता नहीं क्यों आजकल मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, जबकि मुझे चाय इतनी पसंद थी, तो मैं जूस के साथ इसे ले रही हूँ। तो अभी किचन का सारा काम हो चुका है, अभी बच्चा है, बाकी सारा काम, झाड़ू पोछा, थोड़ी बहुत डस्टिंग, मतलब कब से सफाई कर रहे हैं, सफाई खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली की सफाई शुरू तो हो जाती है पर खत्म होना भूल जाती है। तो अभी बाकी सारा काम करते हैं। और मेरी सांस बहुत ज्यादा भर रही है, बता नहीं क्यों। तो चलो काम कर लेते हैं बाकी का सारा। आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर, तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रेसिपी आज भी मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ किस तरीके से बना रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च को थोड़े से ऑयल में
डाल दिया है। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद मैं मिक्सी में ठंडा करके इसको मिक्सी में पीस लूँगी। अब क्योंकि शाही पनीर बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट्स गर्म पानी में भिगा दिए हैं, तो अभी आगे की तैयारी कर लेते। तो यहाँ पे बन चुकी है मेरी सब्जी और रायता मैंने बना दिया है, आटा भी लगा दिया है, बस अभी मुझे पूरी सेकनी है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल सिंपल सी मैंने साड़ी पहनी है इस बार और चूड़ा बनाया है और बिल्कुल सिंपल सा मेकअप, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, पता नहीं कैमरे पे उतने अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और अभी जो है पूजा का मुहूर्त हो गया है तो पूजा के लिए चलते हैं। अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि फेस्टिवल वाले दिन अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, बट मेरा दिन कब शुरू होता और कब खत्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। पता नहीं मैं काफ़ी सारे ब्लॉग देखती हूँ तो लोग इतने अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाते हैं, मेरे से नहीं हो पाता। मैं हर बार सोचती हूँ, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। मतलब मुझे पता है आज भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ऐड की, कभी किसकी कभी किसकी, बट सच में जो लोग मुझे समझ पा रहे होंगे उन्हें पता होगा कि भैया कितना काम होता है। तो अभी मैं जो है थोड़ी बहुत रील्स बना लेती हूँ और फोटोज़ क्लिक करा लेती हूँ, तो वो करते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हमारा डिनर हो गया और इस बार सोसाइटी में काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई है, तो मैं एक तफरी मार के आती हूँ, मतलब देखते हैं कैसी लाइटिंग हुई है और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। लाइटिंग हुई है और सच में लग रहा है इस बार दिवाली है आफ्टर कोविड। इस बार काफ़ी रौनक है सब जगह, मार्केट में और सब जगह। और आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मैं और सुल्ताना आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग सुल्ताना को हाय बोल दो। हाय।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.